साहब ये लीजिए आपका पिज्जा। थैंक यू। वैसे ये कौन है साहब? ये मेरा बेटा है। क्या, ये आपका बेटा है? आप इतने बूढ़े होकर डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो, घर घर में जाके डिलीवरी कर रहे हो और अपने बीमार बेटे को पीछे बैठा रखा है? अगर आप काम कर भी रहे हो तो अपने बीमार बेटे को पीछे बैठा करके घुमा रहे हो। साहब इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तबीयत ठीक नहीं है तो इसे घर पे रेस्ट करने दो, साथ में लेकर के घूम रहे हो। साहब इसे बहुत खतरनाक बीमारी है, इसे कभी भी दौरे पड़ जाते हैं। क्या इतनी खतरनाक बीमारी है? अगर इसे दौरे पड़ते हैं तो इसे घर पे रेस्ट करने दीजिए ना, इतनी धूप में इसे साथ क्यों लेकर घूम रहे हो? साहब चाहता तो मैं भी नहीं हूँ कि मेरी वजह से परेशान हो, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है। साहब हमारे इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। इसकी माँ भी कैंसर की वजह से हमें बहुत जल्दी छोड़ के चलेगी, इसलिए मुझे इसका ख्याल रखना पड़ता है। कई बार सोचता हूँ इसे घर पर बैठा दूँ रेस्ट करने के लिए, लेकिन मुझे इसका हर वक्त डर लगा रहता है। मेरे बाहर जाने पर इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और इसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं हुआ तो। साहब डॉक्टर ने भी मना किया है इसे अकेला मत छोड़ना, अगर मैं घर पर बैठ गया तो कमाएगा कौन, घर का खर्चा कैसे चलेगा और इसकी दवाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। इसलिए जहाँ भी काम पर जाता हूँ इसे साथ लेकर जाता हूँ। इसे साथ लेकर चलने में ये फ़ायदा हो जाता है कि इसे टाइम से दवाई भी दे देता हूँ और इसका सही से ख्याल भी रख लेता हूँ। सच में सलाम ऐसे पिता को जो इतनी उम्र में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है और अपने बेटे का ख्याल रख रहा है। इतनी धूप में घर घर जाकर डिलीवरी कर रहे हो और तो और अपने बेटे का अच्छे से ख्याल भी रख रहे हो, घर भी संभाल रहे हो और तो और पैसे भी कमा रहे हो। आजकल छोटी छोटी बातों पर बेटा बाप से अलग हो जाता है, यहाँ तक कि बेटा बाप से उल्टा बोल जाता है। और आपके बेटे को इतनी खतरनाक बीमारी है, उसका इतना बुरे वक्त में आप उसका साथ दे रहे हो। आप बहुत खुशकिस्मत हो जो आपके पिता ऐसे हैं। और तुम घबराओ मत, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ जी भैया। वैसे मेरे पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अगर तुम चाहो तो आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। अरे नहीं नहीं साहब, इसका इलाज हो गया है, बस थोड़े से टाइम की बात और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर फिर भी सच में आज आपको देख कर ना मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और बाबा मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, आप बताओ ना मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। साहब आपको हेल्प ही करनी है तो दुआ कीजिए ताकि जल्दी जल्दी मेरा बेटा अच्छा हो जाए। लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ, तुम बताओ ना मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। अरे नहीं साहब, बस एक महीने की बात है फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा अगर एक ही महीने की बात है तो जितना तुम एक महीने में कमाते हो उतना मैं एक साथ दे दूँ तो? साहब ये कैसा मजाक कर रहे हो आप? अरे नहीं नहीं बाबा, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये लीजिए इससे आपकी मदद हो जाएगी। अरे साहब ये क्या कर रहे हो आप? देखो ये पैसे तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और एक महीने घर पर रहो और अपने बेटे का ख्याल रखना, जब तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा तो दोबारा काम पे चले जाना और खूब पैसे कमाना। साहब आज के जमाने में भला ऐसे कौन मदद करता है किसी की? देखो अगर मदद समझ के नहीं रखना तो उधार समझ के रख लो, मैं इसी घर में रहता हूँ, जब आपके पास पैसे हो तो मुझे आकर वापस कर देना। रख लो ये पैसे। अरे सोचो मत, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। नमस्ते। राम नमस्ते। वो साहब मुझे अभिषेक से मिलना था। कौन अभिषेक? अभिषेक जी मुझे एक महीने पहले यहीं मिले थे, वो कह रहे थे कि ये घर मेरा ही है, उनके कुछ पैसे वापस करने हैं मुझे, क्या आप उन्हें बुला सकते हो? बाबा लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पर तो कोई अभिषेक जी नहीं रहते, ना ही मेरे भाई का नाम अभिषेक है और ना ही मेरे पिताजी का, लगता है आप गलत एड्रेस पर आ गए हैं। पता नहीं कौन थे वो, कहाँ से आए थे, जिन्होंने हमारी मदद की थी, पर वो मेरे लिए भगवान ही बनकर आए थे। चलो पिताजी।